एंड अगर आप मुझसे पर्सनली पूछोगे कि मैं कौन सा लेना चाहता हूँ, तो वो होने वाली है एनएस की माइलेज कम है बट फ्यूल कैपेसिटी भी कम है। ये थोड़ा विचित्र कॉम्बिनेशन है, पर 16,000 लाइए और दोनों में से कोई भी लेके घर जाइए। अब इसमें सबसे हैरानी वाली बात यह है कि तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे पास है बजाज की दो बेहतरीन बाइक, जी हाँ, N160 और NS160। बहुत सारे सब्सक्राइबर मुझे कमेंट करते रहते हैं कि भैया मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, N160 लूँ कि NS160 लूँ। तो ये सारे वीडियो उन लोगों के लिए है जो कंफ्यूज हैं। तो आज इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि मिनिमम कितनी डाउन पेमेंट आपको करनी है, कितनी आपकी EMI बन सकती है। तो स्टे ट्यून्ड इन दिस वीडियो, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। एंड अगर आप मेरे वीडियो को भागलपुर से देख रहे हो तो अशोक बजाज ये वो जगह है जहाँ आपको बजाज का कोई भी प्रोडक्ट मिलेगा। मैंने एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप लोगों को कुछ नहीं करना, बस कॉपी करो, गूगल मैप पे पेस्ट करो और आप यहाँ जाओगे। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मैं वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपको इस दोनों का प्राइस रिवील कर देता हूँ। जो एक्स शोरूम प्राइस है N160 की, वो होने वाली है 1,23,000 और NS160 की 1,24,600 रुपये। और दोनों की क्या डाउन पेमेंट है और क्या EMI है, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। पहले आप दोनों में डिफरेंसेस देख लो, आप पहले मन बना लो आपको कौन सी लेनी है, लास्ट में तो आपको मैं डाउन पेमेंट EMI बताने वाला हूँ। तो जो सबसे पहली डिफरेंस है, जी हाँ, वो इस दोनों की लुक है, वो भी फ्रंट से। ये हमें थोड़ी स्पोर्टी नेचर की देखने को मिलती है और ये वही पुरानी NS की लेगेसी को कंटिन्यू करने वाली लुक है हमारी। वैसे तो काफ़ी डिबेटेबल है कि ये अच्छा है या वो अच्छा है, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये लुक पसंद आती है तो काफ़ी लोगों को ये। पर जो चीज़ें सच में इसमें डिफरेंस है वो है इनकी हेडलाइट्स। तो चलिए अब उस पर डिस्कस करते हैं। अब अगर मैं बात करूँ हेडलैम्प्स की दोनों की, तो पहले N160 से स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें दो DRLs देखने को मिलते हैं और एक LED प्रोजेक्टर लाइट्स, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूँ NS की, तो इसमें हमें 35 वॉट का हैलोजन बल्ब देखने को मिलता है विद 2 pilot lights। पर जब आप सड़कों पे चलोगे तो ट्रस्ट मी, N160 की लाइट्स आपको ज़्यादा इंप्रेस करने वाली है रेदर देन NS160 की, क्योंकि ये सिंस हैलोजन है तो थोड़ा बहुत तो लाइट का कमी हमें फील होएगा ही, पर हाँ, प्रोजेक्टर लाइट्स आर गुड। पर अगर बात करूँ इंडिकेटर लाइट्स की, तो हमें दोनों में सेम इंडिकेटर देखने को मिलता है, दोनों में बल्ब इंडिकेटर देखने को मिलता है। LED इंडिकेटर्स नहीं आते हैं, पर होप सो जब ये नेक्स्ट अपडेट इनकी आए तो उसमें वो LED कर दें, पर फिलहाल तो हमें बल्ब इंडिकेटर देखने को मिलता है दोनों बाइक्स में। तो चलिए, मैंने तो फ्रंट का लुक को डिस्कस कर दिया, इंडिकेटर्स हेडलैम्प्स भी डिस्कस हो गए। अब थोड़ा बाइक के नीचे आते हैं, तो हमें दोनों में सेम टायर्स देखने को मिलते हैं। टायर्स में दोनों में किसी में डिफरेंस नहीं है, दोनों में हमें MRF के ट्यूबलेस टायर्स देखने को मिलते हैं। और अगर बात करूं तो दोनों में हमें डुअल चैनल ABS भी देखने को मिलता है, वो भी दोनों की सेम है। एंड 300 का हमें डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है दोनों तरफ, वो भी सेम है। बट एक कैच है, अगर मैं बात करूँ दोनों के सस्पेंशन की, तो वो अलग अलग है। NS में हमें USD फॉग देखने को मिलता है, वेयर एज N160 में हमें टेलीस्कोपिक फॉग देखने को मिलता है। ये एक मेजर चेंज है इन दोनों में, फ्रंट की अगर मैं बात करूँ तो। तो चलिए, अगर मैं दोनों की टैंक कैपेसिटी की बात करूँ, तो NS में हमें 12 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलता है, वेयर एज N में हमें 14 लीटर का टैंक कैपेसिटी देखने को मिलता है। अब इसमें सबसे हैरानी वाली बात यह है कि N की माइलेज थोड़ी ज़्यादा है, फिर भी इसकी टैंक फ्यूल कैपेसिटी भी ज़्यादा है। वेयर एज अगर मैं N से कंपेयर करूँ तो NS की माइलेज कम है बट फ्यूल कैपेसिटी भी कम है। ये थोड़ा विचित्र कॉम्बिनेशन है, पर जो है यही है। चलिए, मैं मडगार्ड डिस्कस करना तो भूल ही गया। अगर हम NS की बात करें तो हमें कार्बन टेक्सचर का मडगार्ड देखने को मिलता है, वेयर एज N में हमें एकदम स्पोर्टी टाइप हमें मडगार्ड देखने को मिलता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू, ठीक है। तो चलिए, मैं दोनों के इंजन की बात करता हूँ, तो दोनों में हमें 160cc का इंजन देखने को मिलता है। बट टू भी अगर प्रिसाइज की बात करूँ तो N में 164cc का देखने को मिलता है। अगर मैं दोनों के पावर की बात करूँ कि दोनों कितना पावर जनरेट करती है, तो N जो हमारी है वो हमें 15 BHP का पावर जनरेट करके देती है, वेयर एज NS हमें 17 BHP का पावर जनरेट करके देती है। एंड टॉर्क की बात करूँ तो दोनों का टॉर्क बिल्कुल सेम है, 14 Nm का टॉर्क। तो चलिए, अगर मैं दोनों के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूँ, तो दोनों में हमें सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है। पर अगर आप मेरी माने तो N160 की इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर काफ़ी बेहतरीन लगती है देखने में, वो मैं स्क्रीन पर आपको फ्लैश कर दूंगा, दोनों का आप कंपेयर कर देख लेना। एंड टू बी ऑनेस्ट, जो N160 की इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, बिल्कुल मतलब बाइक भी स्पोर्टी लुक देती है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी काफ़ी इंप्रेसिव है। एंड वेयर एज ये थोड़ा रेट्रो टाइप है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पर हाँ, दोनों में जो अमाउंट ऑफ डिस्प्ले है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर, वो चीज़ें बिल्कुल बराबर है। इसमें हमें गियर पोजिशन इंडिकेटर भी देखने को मिल जाता है। तो चलिए, मैं कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करता हूँ जो दोनों में
किसी एक में देखने को मिलती है तो एक में नहीं। जैसे अगर मैं किक्स की बात करूं तो हाँ हमें NS में किक देखने को मिलता है, वेर एज N160 में हमें किक नहीं मिलती। पर हाँ इसका मतलब ये नहीं कि इसमें किक नहीं है, तो फिर क्या, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स जितनी चीज़ें हमें देखने को मिलती है वो NS में देखने को नहीं मिलती। फॉर एग्जाम्पल हमें इसमें USB चार्जर देखने को मिलता है जो हमें NS में देखने को नहीं मिलता है। एंड अगर मैं दोनों के हैंडल बार की बात करूं तो इसमें हमें NS में हमें क्लिप ऑन हैंडल्स बार देखने को मिलते हैं, जो अगर आप चलाओगे ना तो ये ज़्यादा आपको स्पोर्टी मतलब की पोजिशन देंगे, मज़ा आएगा। वेयर एज हमें NS में वही नॉर्मल हैंडल बार देखने को मिलता है। तो ऐसा है कि मतलब दोनों में ना कुछ कुछ चीज़ों में आपको कंप्रोमाइज़ करनी ही पड़ेगी। एंड अगर आप मेरा पर्सनल रिव्यू लोगे तो मुझे N160 काफ़ी इंप्रेसिव लगी, काफ़ी यूथ अपीलिंग लगी। चार्जिंग पॉइंट मिल गया, अगर आप टूर कर रहे हो या अपने मोबाइल होल्डर वगैरह लगाए हो, आप कोई छोटे मोटे टूर पर जा रहे हो तो आपको चार्जिंग का भी इशू नहीं होने वाला है। वेयर एज NS में वो चीज़ें आपको बाहर से लगवानी पड़ेगी, ऑफ मार्केट लगवानी पड़ेगी। तो इन चीज़ों में तो मुझे लगता है कि N160 एक बेटर डिसीजन होगा, बेटर चॉइस होगा। चलिए अब मैं अगर सीट्स की बात करूँ तो दोनों की कुशनिंग काफ़ी बेहतरीन है एंड हमें दोनों में स्प्लिट सीट्स देखने को मिलती है। एंड अगर मैं रेयर साइड की बात करूँ तो रेयर में आपको कुछ एज सच चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। हाँ दोनों की जो टेल लाइट है उसके डिजाइन अलग है, बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल सेम है रेयर साइड ऑफ द बाइक में। इसलिए जो भी ज़्यादा चेंजेस थे वो फ्रंट में थे। फ्रंट एंड इसका काफ़ी चेंज किया गया दोनों का, जो इसके लुक भी चेंज करता है, काफ़ी फीचर्स भी ऐड करता है। तो चलिए अब थोड़ा माइलेज पर भी ध्यान दे देते हैं, ये भी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जब आप कोई बाइक खरीदते हो। तो चलिए अगर मैं माइलेज की बात करूँ तो इसमें N160 विनर है, ये आपको ज़्यादा माइलेज निकाल कर देती है। ये आपको देगी 45-50 के अराउंड आपको माइलेज दे देती है। वेर एज अगर आप NS की बात करो, और ऑब्वियसली बात है इसमें इनिशियल पिकअप ज़्यादा है, पिकअप थोड़ा ज़्यादा है, तो ये आपको 35-40 के अराउंड माइलेज निकाल के देगी। तो N160 तो सीधा विनर है माइलेज की अगर मैं बात करूँ तो। एंड चलिए वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक बार दोनों का एग्जॉस्ट सुना देता हूँ। एंड हाँ मुझे याद है कि अभी मुझे डाउन पेमेंट और EMI भी डिस्कस करनी है, तो एग्जॉस्ट साउंड सुन लीजिए एक बार आप, उसके बाद हम वो भी डिस्कस करते हैं। तो चलिए मैं आपको इन दोनों का एग्जॉस्ट साउंड सुनाता हूँ। सबसे पहले हम NS का देखते हैं। और अब बारी है N160 की। तो आपने दोनों का एग्जॉस्ट साउंड जो सुन ही लिया, मुझे तो N160 का ज़्यादा पसंद आया, इसमें थोड़ा बेस और थंप ज़्यादा था। एंड हाँ ये मैंने डिस्कस करना भूल गया कि दोनों का जो एग्जॉस्ट है वो अंडरबेली एग्जॉस्ट है इन दोनों बाइक्स में। तो चलिए मैं डाउन पेमेंट डिस्कस करता हूँ, जिसके लिए आप लोग वीडियो के स्टार्टिंग से रुके हुए हो। तो 16,000 लाइए और दोनों में से कोई भी लेके घर जाइए। जी हाँ, जो मिनिमम डाउन पेमेंट होने वाली है इन दोनों बाइक्स की वो 16,000 होने वाली है। एंड अगर आप 3 साल के लिए EMI लेना चाहते हो तो आपको 3,000 से 3,500 के बीच पड़ेगा। एंड मैं आपको एक और बात बता दूं कि आपके सिविल पे बहुत डिपेंड करता है, तो ऐसा नहीं है कि ये फिक्स्ड हो गया। अगर आपकी सिविल बुरी है तो आपको सफ़र करना पड़ सकता है, अच्छी है तो क्या पता आपको और कम डाउन पेमेंट देना पड़े, तो वो आपके प्रॉपर सिविल पे डिपेंड करेगा। तो अगर आप लोगों ने मन बना लिया आप लोगों को कौन सी लेनी है, तो फिर मैंने तो डाउन पेमेंट वगैरह डिस्कस कर ही दिया है। एंड अगर आप मुझसे पर्सनली पूछोगे कि मैं कौन सा लेना चाहता हूँ, तो वो होने वाली है N160। काफ़ी स्पोर्टी नेचर की है, देखने में काफ़ी खूबसूरत लगती है, माइलेज भी आपको निकाल कर देगी, पावर भी आपको निकाल कर देगी। एंड इस गाड़ी की क्या कैपेसिटी है वो तो आप आने वाले समय मेरे चैनल पर देख ही लोगे। एंड अगर आप बात करोगे आपने जितना पे कर रहे हो उस हिसाब से मिला जुला कर ये बिल्कुल कंप्लीट पैकेज है। तो डेट्स ऑल, अगर आप मेरा व्यू लोगे तो यही है। तो अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद आती है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आपको कोई भी डाउट हो बजाज से या कोई भी चीज़ें खरीदनी हो तो आपको पता ही है कहाँ आना है, अशोक बजाज। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए बाइक के साथ। टिल देन, बाय बाय।